नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। भी मैं मौजूद हूँ गांव मुआना में, और गांव मुआना में लंबे समय से ये खरीद केंद्र रहा है। जैसे कि आपको मैं तस्वीरें दिखा दूँ, ये सब गांव मुआना की मंडी है और मंडी बिल्कुल खाली अभी पड़ी है, क्योंकि यहाँ ना तो किसान दिखाई दे रहा, ना ही प्रशासन के कुछ अधिकारी जो है, चाहे वो खरीद की बात करें तो ना ही कोई खरीद की एजेंसी है, ना एफेड वाले हैं, ना दूसरे कोई एजेंसी है। किसानों ने अभी तक किसी भी तरीके से जो है अनाज यहाँ नहीं डाला, क्योंकि जो मुआना गांव है, यहाँ आसपास के कई गांव जो है गेहूँ डालते हैं, अनाज डालते हैं। और मुआना भी एक इतना बड़ा क्षेत्र का गांव है जो कि जींद जिले का सबसे बड़ा गांव है, चाहे क्षेत्रफल की बात करें, चाहे वोटर्स की बात करें, या फिर किसानी की बात करें। तो ऐसे में एक आप देख भी सकते हो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं किसान आज आड़ती के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल में शामिल है, क्योंकि सरकार के आदेश के बाद भी यहाँ अभी तक अनाज नहीं पहुँच रहा और अधिकारी भी नहीं पहुँच रहे, और ना ही यहाँ मजदूर। आपको मैं पूरी स्थिति यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ये बिल्कुल पूरी तरीके से जो है सुनसान जो है मंडी पड़ी है। ये गांव मुआना से आने वाला रास्ता है, और इस रास्ते से यानी जो कि सिंगाना की ओर रास्ता जाता है, जींद की ओर रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जो है ये मंडी है। और मंडी पूरी तरीके से आप देख भी सकते हो पूरी तरीके से खाली पड़ी है, और ये हालात सब मुआना मंडी के हैं, जहां पर जो है अभी तक किसानों ने अपना अनाज नहीं डाला। हालाँकि प्रशासन की जो तैयारियाँ थी वो भी जीरो पड़ी हैं, क्योंकि अभी यहाँ जो है ना तो ऑनलाइन करने के लिए CSC और दूसरी चीज़ों की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। और अनाज आप देख भी सकते हो, केवल दो डेरी यहाँ किसानों ने डाली हुई है। और किसानों से भी हम मिलेंगे, क्या मामला है, किस तरीके से अभी काम चला हुआ है। आप देख रहे हो मुआना खरीद केंद्र के हालात हैं ये, जहाँ जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है मंडी खाली पड़ी है। कोई किसान जो है, हालांकि आज तीसरा दिन है खरीद के लिए जो है एजेंसी भी नहीं पहुंच पा रही, यह बिल्कुल खाली यहाँ पड़ा है। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव मुआना की। किसकी है गेहूँ ये? तो भाई काले के नाम से। आप साथ में हो गए, आप देख रहे हो, क्या नाम है? नवीन है भाई जी। नवीन, कब लेके आए थे भाई? इनको 3 दिन हो गए। कोई पूछने आया है, कोई खरीदने आया? कोई कुछ नहीं भाई, कोई पूछने नहीं आ रहा। रात को यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहते हैं। तो आप देख भी सकते हो पूरी तरीके से किसान भी परेशान है, क्योंकि ना तो कोई खरीदने वाला है, और जो बेचने वाले लोग हैं वो भी पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं बेच नहीं पा रहे, क्योंकि आड़ती जो है हड़ताल पर है, और हड़ताल का समर्थन जो है किसान किए हुए हैं। और पूरी तरीके से आप देख भी सकते हो ये मुआना की मंडी है, जहाँ हालात जो है पूरी तरीके से जो ख़राब हो रखे हैं, क्योंकि आज खरीद का तीसरा दिन है, लेकिन कोई असर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि किसान आज जो है कहीं ना कहीं आड़तियों के साथ खड़ा है। और ऐसे में आप देख भी सकते हो ये जो तस्वीरें हैं, केवल दो ढेरी जो है यहाँ गेहूं की, यानी दो किसानों ने केवल गेहूं डाला है। हालाँकि जो मुआना गाँव है वो बड़ा गाँव है, और जींद जिले का सबसे बड़ा गाँव है, और यहाँ लोग जो है सबसे बड़े ज़मींदार भी यहाँ के लोग हैं। और ऐसे में आप देख सकते हो पूरी तरीके से प्रदेश सरकार के जो दावे हैं वो फैल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसान जो है अब आड़तियों के पक्ष में खड़ा है, और आड़ती आज किसान और आड़ती इकट्ठे हैं, और वो दोनों ही सरकार के से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, और वो नाराज़गी यहाँ मुआना की मंडी में भी झलक रही है। हालांकि प्रशासन ने दावे किए थे, सरकार ने दावे किए थे कि हर जगह जो है एजेंसी खरीदेगी, हर जगह हमने जो है ऑनलाइन सब चीज़ें की तैयारी कर ली है, CSC हमने कर दिया, लेकिन यहां कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यानी जो झूठ का पुलिंदा था वो यहां जो चला हुआ है आप देख भी सकते हो। क्या नाम है? मेरा नाम सेठ सिंह है जी। कद आए थे? पांचवा दिन है जी, मैंने बैठे ने। पांचवा दिन हो गया, कोई आवा है ना जी? मेरे दोस्त, मैं पानी पी रहा हूँ, पानी की ड्यूटी है मेरी। कोई सुननी है नहीं कुछ भी? ना। यानी दिन रात जो मंडी एक दिन में भरनी चाहिए थी, आज वो पूरी तरीके से खाली पड़ी है। कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचना पड़ेगा और कोई निर्णय लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि आज कोई बड़ी घोषणा जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला वो कर सकते हैं, क्योंकि
उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी शुरू होने वाली है और हम आपको हर एक नई अपडेट देते रहेंगे और किसानों से जुड़े मुद्दे को उठाते रहेंगे। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम, मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहिए खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।